नमस्कार दोस्तों, साहिल फ्रेडिस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को यूटेलसैट 70 डिग्री ईस्ट सेट करके दिखाएंगे उन लोगों को जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे बहुत सारे ऐसे नए सब्सक्राइबर हैं जिनको डीडी फ्रेडिस के अलावा कुछ नहीं मालूम, यानी कि उन्होंने हमारी कोई छतरी की सेटिंग की वीडियो देखी और सब्सक्राइब कर लिया हमारे चैनल को, और उनको ये नहीं मालूम कि ABS फ्रीडिस क्या होता है, यूटेलसैट क्या होता है, यानी अदरवाइज सेटेलाइट क्या होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा यूटेलसैट 70 डिग्री ईस्ट, यूटेलसैट 70 डिग्री ईस्ट पूरी तरह से समझ चुके होंगे आप, ऐसी सेटेलाइट है और इस पर चैनल्स भी हैं। तो चलिए हम आपको सेट करके दिखाते हैं और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे हमारे जो पुराने हैं सब्सक्राइबर उनको भी कि इसमें क्या है, कैसे है, पूरी डिटेल हम बताते हैं आपको, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूटेलसैट 70 डिग्री ईस्ट की बात करें कि 2013 में लॉन्च हुआ था ये सैटेलाइट दिसंबर के महीने में। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर के महीने में ये सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, यूटेलसैट 70 डिग्री ईस्ट, यानी कि यूं कहें यूटेलसैट 70 डिग्री ईस्ट लॉन्च हुई थी। और इस सैटेलाइट पे ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़े बहुत तमिल चैनल्स थे, तेलुगु चैनल्स थे, लेकिन अभी फ़िलहाल के कुछ दिनों से कुछ ऐसे चैनल्स आए हैं जो चैनल्स को देखने की इच्छा सभी को होती है। तो आइए हम इस सैटेलाइट को सेट करके दिखाते हैं। बाकी इसकी जन्म के बारे में तो हमने बता दिया, लेकिन इसकी एक्सपायरी भी हम आपको बता दें। इसकी एक्सपायरी है 15 साल, यानी कि ये 15 सालों के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि अभी 2013 में लॉन्च हुई है, 2017 चल रहा है, यानी कि 4 साल हो चुके हैं। अभी क्या है, 11 साल और ये सैटेलाइट चलेगी। तो आइए सबसे पहले हम इसकी सेटिंग बताते हैं, उसके बाद से और चैनल लिस्ट दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, अगर आपके पास डीडी फ्रीडिस लगी है, ये डीडी फ्रीडिस का है हिस्सा, यूँ समझ लो ये डीडी फ्रीडिस है। अब डीडी फ्रीडिस की LNB आपकी ऐसे होगी, सेम ऐसे ही आपकी 70 डिग्री की भी LNB होगी। बस आपको करना कुछ नहीं है, एंटीने को घुमाना है, और जाहिर सी बात है आपके पास सैटेलाइट फाइंडर नहीं होगा। अगर सैटेलाइट फाइंडर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अपने सेटअप बॉक्स में इसकी फ्रीक्वेंसी को नोट कर सकते हैं, और नोट करने के बाद आराम से सेट कर सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी को हम आपको दिखा दें, इसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी, देख लीजिए आप देख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी होगी इसकी। अब हम आपको क्या करते हैं, इसको हम सेट करके दिखाते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसको ये आप देख सकते हैं, मैं आपको एकदम तार वाला हिस्सा मैं आपको एकदम दिखा रहा हूँ। देखिए LNB में लगा है डायरेक्ट, और ये देख सकते हमने टाइट नहीं किया, टाइट कर देते हैं इसे सही तरीके से। ये देखिए, ये देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से, देख लीजिए यही इसकी TP है। आप आराम से इसे सेट कर सकते हैं अपने घर पे, बहुत ही आराम से प्यार से हो जाएगा ये सेट। ये देख रहे हैं कितनी आराम से मैंने सेट किया है इसे, कितना मैंने घुमाया है। बाकी दोस्तों हम आपको चल के नीचे हम आपको इसके चैनल लिस्ट को दिखाते हैं, और कहने का मतलब ये एंटीना नीचे झुक गया, खैर कोई बात नहीं, मैं आपको चल के नीचे मैं दिखाता हूँ चैनल लिस्ट और कुछ ऐसे चैनल्स जो कि आप सब देखना चाहते हैं, उन चैनलों को भी हम दिखाएंगे इस वीडियो में। तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहें, और साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये बता दें, आप हमारे चैनल के नए मेहमान हैं तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, क्योंकि आप जीत सकते हैं एक सेटअप बॉक्स। तो आइए चलिए नीचे चलते हैं, इसके डिस्क की इसके चैनल लिस्ट को हम दिखाते हैं, पूरी टोटल चैनल लिस्ट को दिखाते हैं।